दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Redmi Note 5 Pro में MIUI 10 Global 8.8.16 विदाउट अंटी रोल बैक कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आपको रॉम MIUI 10 पसंद नहीं आया तो आप स्टेबल पे मतलब दोस्तों 9.6.3.0 पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो कहीं भी मत स्किप करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों आप अपने फोन में MIUI 10 8.8.16 जो लेटेस्ट वर्जन है वो विदाउट एंटी रोल बैक इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपने फोन को बाद में डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है मदन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मदन गायकवाड। दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन में चल रहा है MIUI ग्लोबल 9.6 स्टेबल 9.6.3.0। तो दोस्तों एक एंटी रोल बैक एक्टिवेटेड रॉम है, तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि MIUI 10 ग्लोबल 8.8.16 जो दोस्तों विदाउट एंटी रोल बैक फीचर एक्टिवेटेड रॉम है। तो ये रॉम डाउनलोड लिंक का मैं दोस्तों आपको लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पहले आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अपग्रेड करके फिर डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके फोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉलर होना चाहिए, चाहे दोस्तों TWRP रिकवरी हो और कोई भी अदर रिकवरी हो। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आप एंटी रोल बैक एक्टिवेटेड Xiaomi के फोन में कैसे TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं या Redmi Note 5 Pro में कैसे TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वॉल्यूम अप प्लस पावर बटन प्रेस करना है एक 5 सेकंड या 6 सेकंड, उसके बाद दोस्तों आपका फोन बूट हो जाएगा TWRP रिकवरी में या जो भी रिकवरी आपने इंस्टॉल की है। तो यहाँ पे मेरा फोन बूट हो रहा है। और दोस्तों Xiaomi के फोन की एक खास बात है कि आपका फोन का बूट लोडर अनलॉक हो या आपके फोन में कोई भी कस्टम रिकवरी हो और आपको सिस्टम का अपडेट मिलता है तो आप उस रिकवरी के थ्रू भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा फोन TWRP रिकवरी में यहाँ पे बूट हो चुका है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे ब्राइटनेस कम कर देता हूँ तो आपको दिखेगा सही से। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ब्राइटनेस कम कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले बैकअप लेना है आपके करंट सिस्टम का जो भी आपके फोन में चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बैकअप नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बैकअप नहीं लेना चाहता, पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप बैकअप लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको वाइप में जाना है, यहाँ पे एडवांस में, और जो चीज़ें दोस्तों मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वही चीज़ें बस आपको सिलेक्ट करनी है और उसके बाद दोस्तों स्वाइप टू वाइप करना है। तो आपके फोन में जो सिस्टम चल रहा था वो पूरा यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉल में जाना है और आपने जो रॉम यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है उसको दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सिलेक्ट करता हूँ MIUI 10 8.8.16 जो विदाउट एंटी रोल बैक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ फ्लैशिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों रॉम बूट होने के बाद मैं आपको वापस MIUI 9.6.3.0 पे आके भी वापस दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पूरा रॉम फ्लैश हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर बैक आना है, स्टोर में जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको लेजी फ्लैशर ये जिप इनक्रिप्शन के लिए यहाँ पे इंस्टॉल ही करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसे इंस्टॉल और इंस्टॉल होने के बाद सिंपली दोस्तों आपको रिबूट करना है। तो यहाँ पे स्वाइप टू रिबूट, ओके। उसके बाद दोस्तों आपका फोन बूट हो जाएगा MIUI 10। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फोन बूट हो चुका है लेटेस्ट MIUI 10 8.8.16 पे। तो उसके पहले दोस्तों डिवाइस एक्टिवेशन का यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा था, तो मैंने वाईफाई से कनेक्ट करके उसका जो मेरा अकाउंट का पासवर्ड था MIUI के वो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस हमारा फटाफट यहाँ पे ओपन हो चुका है MIUI 10 8.8.16 पे। तो यहाँ पे देख सकते हो MIUI 10 8.8.16 ग्लोबल वर्जन और हमें यहाँ पे दोस्तों लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद दोस्तों मैं आपको रिटर्न MIUI 9.6.3.0 पे यहाँ पे लेके जाऊँगा। तो चले फिर चलते हैं दोस्तों हमारे TWRP रिकवरी में। तो यहाँ पे दोस्तों फोन आ चुका है TWRP रिकवरी में। तो यहाँ से दोस्तों हम डाउनग्रेड करने वाले हैं MIUI 9.6.3.0 पे, जिसमें दोस्तों एंटी रोल बैक एक्टिवेटेड है। पर दोस्तों जो हमने अभी डाला था MIUI 10 8.8.16 जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें दोस्तों एंटी रोल बैक एक्टिवेटेड नहीं है। पर दोस्तों ये अलग वर्जन है, ये दोस्तों अलग वर्जन है। इसका डाउनलोड लिंक मैं और आगे आपको बताऊंगा कि इसको कहाँ से डाउनलोड करना है।
तो यहाँ पे दोस्तों फिर वाइप में जाता हूँ और फिर दोस्तों यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें सिलेक्ट कर रहा हूँ वही आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे स्टार्ट तो ऑफिशियल हमारा वर्जन तो स्टेबल वर्जन 9.6.1.3.0। तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। तो ये दोस्तों ऑफिशियल वर्जन है और ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि MIUI 10 8.8.16 ये अलग वर्जन है, जो ऑफिशियल ग्लोबल जो MIUI 10 वर्जन है वो नहीं है। इसमें से दोस्तों जो एंटी रोल बैक जो फ्रेमवेयर होता है वो रिमूव किया है। और इसका दोस्तों मैं आपको कहाँ से डाउनलोड करना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपको पूरा ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखना है कि मैंने कहाँ से डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे दोस्तों रोम इंस्टॉल हो चुका है, पर दोस्तों मुझे बहुत डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लेजी फ्लैशर इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे सच में मुझे भी डर लग रहा है कि ब्रिक ना हो जाए बस। तो रिबूट सिस्टम यस हो जा यार। तो दोस्तों सक्सेसफुली हमारा फ़ोन बूट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे डाउनग्रेड किया MIUI 10 से MIUI 9.6 पे, तो यहाँ पे बूट हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने MIUI 10 कहाँ से डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे फ़ोन बूट हो चुका है, पर दोस्तों डिवाइस इज लॉक्ड है, तो मैं इसे फटाफट एक्टिवेट यहाँ पे कर ले सेटिंग में। और सेटिंग में यहाँ पे देख सकते हो अबाउट फोन में हमें देखने को मिलता है 9.6.3.0। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फटाफट डाउनलोड लिंक दिखा देता हूँ कि आपको ये बिल्ड MIUI 10 का कहाँ से करना है। दोस्तों XDA पे एक थर्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 5 Pro MIUI ROMs विदाउट फ्रेमवर्क। मतलब दोस्तों यहाँ पे FP-less, मतलब दोस्तों यहाँ पे एंटीरोल बैक जो फ्रेमवर्क होता है वो यहाँ पे बिल्ड से रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी आपको रोम्स दिखते हैं उनमें से दोस्तों यहाँ पे एंटीरोल बैक फीचर डीएक्टिवेट किया है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनग्रेड अपग्रेड कर सकते हैं। बस यही वर्जन में दोस्तों जो यहाँ पे डेवलपर ने बनाया है उनका नाम है दोस्तों अखिल नारंग, तो उनको फुल क्रेडिट देना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सा रोम चाहिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लोबल मिलेगा आपको, चाइना का मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पे मासिक का भी रोम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल, और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको MIUI स्टेबल मतलब जो हमारे फ़ोन में अपडेट आते हैं 9.6 के, तो यहाँ पे देख सकते हो वो अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पुराना अपडेट है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये देख सकते हो 9.6.3.0 मतलब अभी जो आया है वो भी आपको यहाँ पे विदाउट एंटीरोल बैक मिलेगा। और वीकली में दोस्तों आपको MIUI 10 के यहाँ पे रोम्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे देख सकते हो कि MIUI 8.8.16 जो मैंने अभी इंस्टॉल करके आपको दिखाया और डाउनग्रेड अपग्रेड करके यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे दोस्तों बहुत सारे Redmi Note 5 Pro के लिए वीडियोज आने वाले, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।